हेलो दोस्तों, माय फर्स्ट व्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, मुझे सोशल मीडिया में पहले से ही बहुत रुचि थी और सोशल मीडिया में मुझे बहुत ही पसंद था। तो दोस्तों, मैंने सोशल मीडिया में यूट्यूब में व्लॉगिंग करना पसंद किया है। तो मैं चाहता हूँ मेरा फर्स्ट व्लॉग आप देखें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। दोस्तों, हम गुजरात के छोटे से गांव लखतर में रहते हैं और आप जो ये देख रहे हैं वो गुजरात में आने वाली नर्मदा नदी के कैनाल देख रहे हैं। यहाँ से गुजरात के गांव के कोने कोने में पानी पहुंचता है और खेतों में भी पानी पहुंचता है, जिससे हमारा जीवन चलता है। आज मेरा सही में फर्स्ट व्लॉग होने वाला है, क्योंकि आज मैं स्मिथ होम के बारे में आपको बताने वाला हूँ। कैमरे के सामने बोलने की आदत नहीं होने से कुछ भूल हो जाए तो माफ़ करना। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम शैलेश है और मैं आरोग्य विभाग में जॉब करता हूँ। जब टाइम मिले मैं छोटा मोटा वीडियो करके व्लॉगिंग करने का कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे पहले से ही सोशल मीडिया में बहुत रुचि थी। दोस्तों, आप यहाँ से दूर वो देख रहे, वहाँ एक ब्रिज है, ब्रिज के पास ही एक पंपिंग स्टेशन आया हुआ है। वो जो ये आप पानी देख रहे हैं, वो पानी वहाँ से नीचे से ऊपर तक आता है, जो एशिया का सबसे बड़ा पंपिंग स्टेशन आया हुआ है। और हम यहाँ ही वो जिसे ढांकी का पंपिंग स्टेशन कहते हैं, हम यहाँ लखतर गांव के पास ही वो पंपिंग स्टेशन आया है। गुजरात के सौराष्ट्र में हर एक गांव और हर एक खेत में यहाँ से पानी पहुँचता है और हमारी गुजरात की ज़मीन हरी भरी रहती है। तो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं गुजरात की जीवादोरी नर्मदा कैनाल। दोस्तों, नर्मदा कैनाल के माध्यम से हमारा गुजरात का हर एक गांव और हर एक खेत हरा भरा हुआ आपको देखने को मिलेगा। वो इसको उसका यही कारण है ये पंपिंग स्टेशन। तो दोस्तों, समय मिले हम आपको पंपिंग स्टेशन की भी मुलाकात करवाएंगे। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों, और आगे भी मेरा ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए आज का मेरा फर्स्ट ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।